अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस के लिए। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स ऑब्टेन करने के लिए और वीडियोस अगर आपको चाहिए होंगे तो। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एंड केमिकल रिएक्शंस का हमारा ये फोर्थ लेक्चर होगा। फ्रॉम लास्ट थ्री लेक्चर्स हमने क्या स्टडी किया हुआ है उसका हम थोड़ा क्विक रिविजन करते हैं। हमने स्टडी किया हुआ है कि फिजिकल चेंजेस होती हैं वो चेंजेस जो रिवर्सिबल होती हैं यूजुअली, और जिनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाता है। और फिजिकल चेंजेस जो है उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आती है। हमारे पास मेल्टिंग आता है, क्रिस्टलाइजेशन आता है, बॉइलिंग आता है, सब्लिमेशन आता है। और सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस डायरेक्टली चेंज हो जाना, उसको आप सब्लिमेशन बोलते हैं। केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होती हैं जो इरिवर्सिबल नेचर की ज़्यादातर होती हैं। और ये भी हमने बताया मगर कि कोई कोई केमिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल नेचर की भी होती हैं, खुद ही रिवर्स हो जाती है रिएक्शन कभी कभी। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स केमिकल चेंजेस में हो जाता है। और केमिकल इक्वेशन होता है, अगर आप सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे बाय मींस ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज आप रिप्रेजेंट करेंगे। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, डाइजेशन, कंबशन, फोटोसेंसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी की सारी है केमिकल चेंजेस। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्यों बैलेंसिंग जाके इंपॉर्टेंट होता है। हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, जहाँ पे हमने पहला टाइप जो है वो पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। वो रिएक्शंस जो जिनमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही होता है, उसको आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हमने आपको बोला था कि आप क्विक लाइम भी याद रखिएगा। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेकर लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब क्विक लाइम से स्लेकर लाइम बनता है तब हीट लिबरेट हो जाती है। जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तब हीट लिबरेट हो जाती है। और ये रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है। आज हमें स्टडी करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो मैंने कल आपको बताया कि बॉन्ड जब ब्रेक करना होता है, जब दो चीज़ों को जो गए थे आपस में, जिन्होंने आपस में अट्रैक्शन की थी, अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो एनर्जी तो लगेगी ही ना। तो एनर्जी लगेगी तो मतलब इंडोथर्मिक होती है। जो डिकम्पोज, अगर आपको डिकम्पोज करना है इसको, तो रिएक्शन क्या होगी, इंडोथर्मिक होगी। ठीक है, सो मैंने आपको ये भी बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बहुत टाइप्स के होते हैं, ब्रॉडली तीन टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखें तो एक होता है, एक डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोजिशन होती है जो हीट की प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में, उसको आप बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एक डिकम्पोजिशन वो होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसको आप बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और एक डिकम्पोजिशन वो होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए होती है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा बड़ा है। उसके बाद जो है थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, वो उतने बड़े नहीं हैं, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, टॉपिक्स दो है वो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होता है या इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो। जहाँ पे लिसिस, सबको पता है लिसिस होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, उसको आप लिसिस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फोटोलिसिस नहीं होता है, फोटोलिसिस, हाँ ठीक है, जब जब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाए उसका आप फोटोलिसिस बोलते हैं। या तो फोटोलिसिस बोलेंगे या तो फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होता है जब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जो है ब्रेक डाउन हो जाए, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलिसिस जो है उन रिएक्शंस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हम उन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जो आपस में जुड़ गए होते हैं। जब एटम्स आपस में जुड़ गए होते हैं विलिंगली, दोनों विलिंग होते हैं और जुड़ गए होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाया होता है, और ये अलग होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और चूंकि अलग होने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, इसलिए अलग करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसकी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम किसी भी कंपाउंड का करेंगे, तो हमें ये दिमाग में रखना है कि हम ये फोर्सिबली कर रहे हैं,
ये जो प्रोसेस है ये हम फोर्सिबली कर रहे हैं, और ये खुद नहीं हो सकती है ये प्रोसेस, तभी जाके फोर्सिबली की जाती है ये प्रोसेस। सपोज मैंने परसों आपको दिखाया था कि NaCl के साथ कंबाइन हो जाएगा, बनाएगा NaCl, ठीक है। ये प्रोसेस खुद हो जाती है नेचर में, ये खुद हो जाती है। अगर आप Na को एक कोने में रखेंगे, Cl को दूसरे कोने में रखेंगे, ये खुद आपस में जुड़ जाएंगे, खुद ही एक पॉइंट पे जुड़ जाएंगे आपस में और बनाएंगे NaCl। और जो प्रोसेस खुद हो जाती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, SPONTANEOUS, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद हो जाती है। अब अगर हम इसका उल्टा देखेंगे, सपोज़ हमें NaCl को ब्रेक करना है और Na और Cl में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं Cl2 क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पे Cl क्यों नहीं लिख रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले आप यहाँ देखिएगा, अगर मुझे NaCl को वापस से Na और Cl2 में कन्वर्ट करना है, अगर इसके Na और Cl को सेपरेट करना है, तो ये प्रोसेस खुद नहीं हो जाएगी। देखिए, नमक रखा होता है ना आपने कहीं पे, आपने किचन में नमक रखा होता है ना NaCl, क्या वहाँ पे खुद ही Na और Cl आपस में सेपरेट हो जाते हैं? क्या एक महीने के बाद Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है? चाहे आप एक साल तक रखें, चाहे आप हज़ार साल तक रखें, ये NaCl जो है खुद ब खुद Na और Cl सेपरेट आउट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और जो प्रोसेस खुद ब खुद नहीं हो सकती है, जो जिसको नेचर ने इजाज़त नहीं दिया है खुद ब खुद होने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, स्पॉन्टेनियस होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास हिल है और हिल के ऊपर ऐसे पत्थर रखा हुआ है और हिल के नीचे पत्थर रखा हुआ है, हिल के नीचे पत्थर है और हिल के ऊपर पत्थर है, बताइए दोनों में अगर पत्थर को नीचे लाना होगा, पत्थर को ऊपर चढ़ाना होगा, दोनों में कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? कौन सी प्रोसेस नेचर में खुद हो सकती है? ये वाली प्रोसेस, जो रॉक डाउनवर्ड्स आना है ना, ये स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि रॉक्स तो डाउन आ जाती है ना, खुद ब खुद नीचे आ जाती है। अगर हम इस रॉक को ऊपर ले जाना होगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद नहीं हो जाएगी ये प्रोसेस, करवानी पड़ेगी, फोर्सबली करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये फोर्सबली आप करते हो, ये प्रोसेस खुद नहीं हो सकती है, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ये खुद नहीं हो जाती है। और जो चीज़ें खुद नहीं हो जाती है, उनको करवाना पड़ता है, और उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, मैंने सबसे पहली एग्जांपल ली है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छे से समझेंगे, ताकि जो हमें आगे की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन किस वाले इलेक्ट्रोड पर मिलता है, ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम किस वाले इलेक्ट्रोड पर मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको आइडिया मिलना चाहिए यहाँ पर खुद ब खुद। अगर हम सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे तो आगे जाके हमें खुद ही आइडिया मिल जाएगा आगे की रिएक्शंस का, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ की तरफ गौर करें, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसे डरिए मत। यहाँ देखिएगा, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स के भी होंगे और जिनको इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि जब भी हम एक सब्जेक्ट को बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं तो हमें उसमें उसका आइडिया नहीं रहता है, इसलिए चीज़ें थोड़ी माइन्यूटली पढ़ानी पड़ती हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास, मैंने ये प्रोसेस दिखाई है, मैंने ये रिएक्शन दिखाई है, ये कौन सी, क्या Na और Cl खुद ही टूट जाएंगे? नहीं टूट जाएंगे, तो ये कौन सी, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस को करवाना पड़ेगा, और करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं कि क्या होता है जब NaCl को कन्वर्ट करना होता है Na और Cl में, मतलब NaCl में Na को अलग करना होता है और Cl को अलग करना होता है, क्या होता है उस टाइम। देखिए आपको असल में करना होता है काम, आपके Na पे होता है +1 चार्ज और आपके Cl पे होता है -1 चार्ज। अब आप मुझे बोलेंगे कि जब हम NaCl लिखते हैं तो हम तो नहीं लिखते हैं +1 और -1, तो ये कहाँ से आ गई?
असल में आप क्या करते हो, जब आप NaCl लिखते हो आप उस पे चार्जेस नहीं लिखते हो, आप कभी चार्जेस नहीं लिखते हो। आप चार्जेस या तो लिख सकते हो या तो नहीं लिख सकते हो, आप यूजुअली नहीं लिखते हो चार्जेस को। असल में क्या होता है काम, ये Na जो है इस पे कहाँ से आई होती है प्लस वन चार्ज और Cl पे कहाँ से आई होती है माइनस वन चार्ज। ये जो Na होता है और Cl होता है किसी टाइम पे अलग अलग थे, और जब ये अलग अलग थे तब जाके ये स्टेबल नहीं थे, ना तो Na स्टेबल था और ना ही क्लोरीन स्टेबल था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं है। सिर्फ ये जो सेक्शन है यहाँ पे ये स्टेबल होते हैं, इनको आप बोलते हैं नोबल गैसेस, सिर्फ यही जाके स्टेबल होते हैं, बाकी सारी चीज़ें अनस्टेबल होती हैं, ये सबको पता होगा। गरज कि सोडियम भी अनस्टेबल है, क्लोरीन भी अनस्टेबल है, मगर अब क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद इसके ऊपर आती है प्लस वन चार्ज, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करने के बाद इसके ऊपर आती है माइनस वन चार्ज। ठीक है, तो ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, सोडियम के ऊपर होती है प्लस वन चार्ज और क्लोरीन के ऊपर होती है माइनस वन चार्ज। अब देखिए ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अलग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं अलग, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग कभी नहीं रहे हैं, ये लॉ ऑफ नेचर होता है, ये दोनों क्लोज आ जाएंगे। और जब ये क्लोज आ जाएंगे तो क्लोज कैसे आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन हो रही है। कौन सी अट्रैक्शन हो रही है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जब ये नज़दीक आएंगे आपस में, एंड पॉजिटिव सी एल नेगेटिव जब क्लोज आएंगे, जब ये मैक्सिमम क्लोज पहुँच जाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, मतलब इन दोनों ने बनाया है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान होता है। ठीक है, सो यहाँ अगर हम देखें तो सोडियम ने विलिंगली इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, खुद ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था ताकि ये स्टेबल हो जाए। क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया था ताकि ये स्टेबल हो जाए, और दोनों जुड़ गए थे, और दोनों जुड़े इसलिए क्योंकि ये दोनों स्टेबल हो गए हैं, दोनों के दोनों स्टेबल हैं। तो ऐसे ये कंपाउंड स्टेबल है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप करना चाहते हो काम, आप Na पॉजिटिव Na प्लस वन को Na ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ज़ीरो का क्या मतलब है, न्यूट्रल। आपको Na को प्लस वन चार्ज हटाना है। तो ये प्लस वन चार्ज कैसे हटेगा Na पे प्लस वन चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसके ऊपर प्लस वन चार्ज नहीं रहेगी। और क्लोरीन जो है उसको क्या किया है आप लोगों ने, क्लोरीन का माइनस वन चार्ज भी हटा लिया है, इसको भी ज़ीरो कर लिया है। और ये कैसे हो जाएगा, कैसे क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज ख़त्म हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब मुझे बताइए, ये Na प्लस क्या ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना मानेगा, क्या ये मानेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना? ये तो मेटल होता है, और मेटल क्या होता है, मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, जो हमेशा चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, वो कभी नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। ठीक है, मेटल्स खुद ब खुद कभी भी नहीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। और क्लोरीन, ये क्या करना चाहते हो आप क्लोरीन के साथ, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना चाहते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना चाहते हैं, मगर क्लोरीन तो नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है, तो आप क्या करवा रहे हो, आप लूज़ करवा रहे हो। तो गरज की आपको क्लोरीन को कन्वर्ट करना है Cl ज़ीरो में, और आपको Na प्लस को कन्वर्ट करना है Na ज़ीरो में, तो आप उस चीज़ से बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने को, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और उस चीज़ को बोलते हो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। आप तो उल्टा करवा रहे हो, मतलब आपको ये रिएक्शन अब अगर करनी है तो आपको फोर्सिबली करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। सो फोर्सिबली करनी है आपको ये प्रोसेस, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ये कैसे आप करते हो, कौन सा चीज़ ऐसा होगा जिसकी मदद से आपका जो ये सोडियम है ये मानेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और क्लोरीन जो है ये मानेगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। ये कौन सा चीज़ है जिससे आप ऐसा करवाओगे? ये होती है आपकी बैटरी। देखिए, बैटरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, सबको पता है बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल्स होती है, और बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और तो नेगेटिव टर्मिनल होता है, एंड होते हैं, दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और देखिएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है, और ये नेगेटिव एंड है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, मतलब अगर इसके सामने Cl नेगेटिव आ गया, तो ये इस नेगेटिव को नहीं छोड़ेगा, ये इस नेगेटिव को पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा, खींचेगा, और जब ये इस नेगेटिव को खींचेगा तो खुद ब खुद इसको छोड़ना पड़ेगा इसको, और ये Cl ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ठीक है, अगर Na पॉजिटिव इसके सामने आ गया तो Na पॉजिटिव तो नहीं मानेगा, मगर ये इसको देगा, ये तो नहीं मानेगा, क्योंकि बैटरी जो हम इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी होगी, और ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच के ही रहेगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे के ही रहेगा अगर इसकी बैटरी से हम ये चीज़ें करते हैं। तो कैसे होती है ये प्रोसेस, कहाँ से हम क्लोरीन को इसके सामने रखते हैं, कैसे इस प्रोसेस को हम कैरी आउट करते हैं? ये प्रोसेस को हम कैरी आउट करते हैं एक सेल में जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है एक सेल के अंदर जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जल्दी से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इन टोटल चार चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कंटेनर, एक तो होता है ये कंटेनर, ठीक है, दूसरा होता है ये मेटल का होता है, ये कोई कंडक्टर होता है, ये भी मेटल का कोई कंडक्टर होता है, दूसरे होते हैं ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तीसरा होता है ये चीज़, इसको एक और बना दीजिए यहाँ पर, आपको पता होगा ये क्या है, ये एक सेल की रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्टकट। ठीक है, इसको नेगेटिव एंड माना जाता है, इसको पॉजिटिव एंड माना जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे ही दो तीन ऐसे और होंगे तो मतलब हुआ दो सेल्स, मतलब हुआ तीन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये एक बैटरी है, ये बैटरी है, तो इसको एक और बनाइए तब जाके ये बैटरी बन जाएगी। तो ये बैटरी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ पे कंटेनर होता है, और होता है इलेक्ट्रोलाइट। कहाँ होता है इलेक्ट्रोलाइट? होता है ये सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब हम इलेक्ट्रोड्स को और इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करेंगे। देखिए, कंटेनर को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी भी सबको पता है, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स यहाँ देखिएगा ये दो टाइप के होते हैं, एक वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, दूसरा वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। एक कंडक्टर वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसको कैथोड बोलते हैं। एक वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, उसको एनोड बोलते हैं। कैथोड होता है, एनोड होता है, ये कैटायन, और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। देखिए, जिसको ये पता है कि ये कैटायन हुआ और ये एनायन हुआ। ठीक है, अगर एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कहलाएंगे कैटायंस। याद रखिएगा, अगर एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कहलाएंगे कैटायंस। मगर अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसी कंडक्टर के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कहलाएगा एनोड
एनोड, इसके उल्टा, इसके उल्टा। और अगर अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो कहलाएगा एनायन, अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो कहलाएगा एनायन। मगर अगर किसी सेल के अंदर, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो कहलाएगा कैथोड, वो कहलाएगा कैथोड। ये एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। अगर इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास, एक तो होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड के ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज। बैटरी होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ें होती हैं जो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने अभी नहीं बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो चीज़ जिनमें इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है यूजुअली ये वो सॉल्यूशंस होती हैं, ये वो फ्लूइड्स होते हैं, वो सॉल्यूशंस होती हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है। इन्हीं आयंस की वजह से ये सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा आता है एसिड्स आते हैं, बेसिस आते हैं और सॉल्ट्स आते हैं। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स जो है इनको टेंडेंसी होती है कि जब भी ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, मोल्टन मतलब मेल्टेड स्टेट में होते हैं, या फिर जब भी ये वाटर के साथ मिले होते हैं तब ये आयंस देते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देते हैं, जिनकी वजह से ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। अब एसिड्स, कौन कौन से एसिड्स होते हैं हमारे पास, हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे कि H2SO4 होता है, HCl होता है, HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, परक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ये सारे एसिड्स कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और सारे बेसिस, बेसिस में कौन कौन आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, ये सारे के सारे कहलाते हैं बेसिस। और सॉल्ट्स कौन से, सॉल्ट क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ये होते हैं सॉल्ट्स। अगर इसकी एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फ्री फ्लोइंग आयंस होते हैं। फ्री फ्लोइंग, अच्छे से सुनिएगा, फ्री फ्लोइंग मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा मगर वो फ्री फ्लोइंग होगा, फ्री अच्छे से होगा, फ्री बाउंड नहीं होगा। अगर वो बाउंड हुआ तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता है, वो फ्री होना चाहिएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे, क्या क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने लिखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, पहले हम आपको पॉइंट्स बताते हैं। हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसको आप ज़बरदस्ती करवाते हो, वो केमिकल चेंज जिसको टेंडेंसी नहीं है होने की, जो नहीं हो सकती है, दैट वोंट हैपन, वो केमिकल रिएक्शन जो नहीं हो सकती है मगर उसको आप करवाते हो, फोर्सिबली करवाते हो, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिसिस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इसको करते हो, ठीक है, आप इस रिएक्शन को फोर्सिबली करते हैं, ये नहीं हो सकती थी ये रिएक्शन, ये नहीं हो, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है। जो भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करते हो वो सारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है। और कैसे की जाती है, ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। और एक चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है बहुत ही टफ़ होती है। क्यों टफ़ होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हाई टेम्परेचर विदस्टैंड करना होता है। कैसे, क्या करना होता है हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड, देखिएगा। अगर हम यहाँ पर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अगर मुझे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो NaCl मुझे लेना पड़ेगा एज इलेक्ट्रोलाइट,
NaCl को ही लेना पड़ेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा, फिर से हम बताएंगे, जिस भी चीज़ की आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी, चाहे वाटर की करनी होगी, चाहे सोडियम क्लोराइड की करनी होगी, चाहे चाहे आपको सिल्वर क्लोराइड की करनी होगी, वो केमिकल कंपाउंड आपको लेना पड़ता है एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सोल्यूशन में लेना पड़ता है जैसे मुझे NaCl की करनी है इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये NaCl को मुझे इसमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे एज इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो NaCl को अगर हम ऐसे ले, अगर हम NaCl को ऐसे ले जैसे होता है NaCl हमारे पास, क्या ऐसे ये NaCl कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? क्या ऐसे सॉलिड स्टेट में ये NaCl कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसमें तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो क्यों नहीं करेगा कंडक्ट? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो होता है मगर बाउंड होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, ये फ्री फ्लोइंग नहीं होते हैं। इसमें फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। जब आप इसको मेल्ट करते हो, आपको NaCl को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना होता है। मेल्ट को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, फ्यूज़ करना पड़ता है, मतलब मेल्टेड स्टेट में लेना होता है या फिर फ्यूज्ड स्टेट में लेना पड़ता है। जब आप इसको मेल्ट करते हो ना, तो यहाँ पे फ्री फ्लोइंग हो जाते हैं, Na पॉजिटिव भी फ्री फ्लोइंग हो जाता है, सीटू भी फ्री फ्लोइंग हो जाती हैं। अगर इसकी फ्री फ्लोइंग हो जाते हैं ये आयंस फ्री, तब जाके ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? तो गरज की ये बात है कि जब भी किसी चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी, उस चीज़ को लिया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या करेंगे काम, हम कल देखेंगे कि कैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे NaCl की, और कौन सी चीज़ कहाँ चली जाएगी, एनोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा, कैथोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा, और जाने के बाद कौन सी चेंज आएगी इनमें, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, प्राइमरी चेंज क्या होती है, सेकेंडरी चेंज क्या होती है, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।